चलिए दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं और अब इस रूम को अलविदा बोल रहे हैं। गेट खोल, चलो चलते हैं हम अंदर प्रेम मंदिर के। गाइस प्रेम मंदिर देख लिया, आप चलते हैं पहले बाहर। ठंडों में कुल्फी सी जमेगी, तो चलते हैं हम पार्किंग की तरफ। आप बाइक पार्किंग की वहां पे। हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ वहीं पे कल वाली जगह पे, और आप देख सकते हैं कोहरा कितना है और हमने अपना तेल का मचा रखा है यहाँ पे। तो चलिए अभी सुबह हो चुकी है और हम सभी लोग उठ चुके हैं। अब सबसे पहले हम नहाने जा रहे हैं, फिर हमें मंदिर वगैरह यहाँ पे कई जगह जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे बरसाने। तो आप इस ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग में आपको काफ़ी अच्छी जगह मिलेगी देखने के लिए, काफ़ी मंदिर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर। ये जय पंडित नहा के आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या मस्त व्यू है। यहाँ से बिल्डिंग काफ़ी ऊँची ऊँची हैं, हम तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, फोर्थ फ्लोर पे। यहाँ पे कौन सा आला है? पेंट बांध रहे हैं। तो दोस्तों नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, अब जैकेट डाल लिया है, सुई चलते हैं। ये दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं और अब इस रूम को अलविदा बोल रहे हैं। चलिए अपनी बाइक उठा रहे हैं, बाकी सफाई करो और चौक लगा के चालू करो। बिना चौक में बीएसई नया में चौक नया में कार्बोरेटर। हाँ सही है, हमें पता नहीं, हमारी में तो है, हमारी तो BS4 है, हमारी में पंप है डायरेक्ट, हमारी में BS4। तो जे बढ़िया है, तो BS4 जी। लद्दाख की ट्रिप करे अभी तुम्हारी? हाँ जी, नहीं करके आप भाई तुम्हारी भाई जी नहीं करी। यहाँ पे ये कह रहा हूँ चालू है गई, बड़ा तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितना कोहरा है और हम जा रहे हैं बरसाने की तरफ। बरसाने यहाँ से अभी करीब 20 किलोमीटर हमें ऐसे ही ठंड में सफर करना है। तो मित्रों ठंड में हो चुकी है हमारी हालत ख़राब और अभी हम यहाँ पे रुके चाय की चुस्की लेने के लिए। नाले ठंडी हट रहे तापे लंदे, मैं ना मार रहा हूँ, रे तोड़ रहा हूँ जो ही तापे लंदे। तो दोस्तों हमारे को बता दे और चलते ऊपर पहाड़ी की तरफ, वहाँ पे राधा रानी बैठी है ऊपर। चलिए बाइक पार्किंग में लग चुकी है। चलो जी चले फ्रेंड्स, मंदिर आ चुके हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। भीड़ काफी है। तो चलिए दोस्तों बाइक निकाल ली हमने पार्किंग में से, अब जाएंगे हम प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर है यहाँ से करीब 30 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं वृंदावन, अब चलते हैं पहले हम सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने, फिर उसके बाद लौटते समय आएंगे प्रेम मंदिर। दोस्तों हमारी बाइक यहाँ पे लग चुकी है पार्किंग में, ठंडों में कुल्फी सी जमेगी। तो दोस्तों हमारी बाइक पार्किंग में लग चुकी थी
और हम अभी जा रहे हैं फिलहाल में प्रेम मंदिर, बिहारी के दर्शन करेंगे शाम को, क्योंकि अभी मंदिर बंद है तो वो शाम को खुलेगा 4 बजे के बाद, और अभी बज रहे हैं 2, तो अभी जा रहे हैं सबसे पहले प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर लौटते समय करेंगे बिहारी जी के, वहाँ से फिर बाइक उठाएंगे। गेट खुल जाओ, चलते हैं हम अंदर प्रेम मंदिर के। भाई आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, उसकी तरह अंदर जा रहे हैं, ये हमारा प्रेम मंदिर। नहीं रहा है या फोटो शूट करा रहे हैं? अच्छा फोटो शूट करा रहे हैं। पता नहीं क्या नाम सोच के बनाया था इसका, प्रेम मंदिर। कृपया ये कह रहा हूँ आपकी गर्लफ्रेंड से, हमारे में गर्लफ्रेंड है हीरा को, इतने बढ़िया नसीब का है। और कृपया करके सब अपनी गर्लफ्रेंड से वो संभाल कर रखे होने का और पढ़ने का दूसरों से चांस रहते हैं, बहुत ही चांस है। देखो तो फ्रेंड्स यहाँ देखो कितनी सारी भीड़ है, ये है तुम्हारे प्रिंट ब्लॉगर, आज इनको शर्म आ रही है, ये शर्म आ रहे हैं। और इधर देखो आप प्रेम मंदिर देख सकते हैं, ये फ्रंट से और ये गोवर्धन महाराज जो कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाए हैं। चलिए मैं पास कर रहा हूँ, अंदर घुमाए आप, चलिए यहाँ का नजारा देखते बाहर का। गाइस प्रेम मंदिर देख लिया, आप चलते हैं पहले बाहर इस्कॉन मंदिर की तरफ, नहीं बिहारी जी मंदिर चलेंगे, मतलब बिहारी के दर्शन कर, अरे बिहारी जी के दर्शन कर भी चलेंगे सीधे। खरीद लेंगे, एक मिनट रुक जा, घर भेजनी है पूछे के मत। चलिए गाइस हम घूम घाम के अपने आज के रूम में, और अब मैं अपने इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, आपसे कल मिलता हूँ जल्दी फिर दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में, कल भी हम कहीं घूमने जाएंगे। चलिए बाय बाय।